कुछ समय पहले तक हम सबके घरों में एक डायरी हुआ करती थी जिसमें उन सभी के नंबर होते थे जिनको हम जानते हैं और शायद उनके भी जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन आज ऐसा नहीं होता क्योंकि आज हम सबके हाथ में है एक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की बात करिए तो इंटरनेट की बात से हम अछूते कैसे रह सकते हैं, और एज़ फार एज़ एडवोकेट्स आर कंसर्न्ड इंटरनेट हमारे कितने काम की चीज़ है, इसका इसी बात से कयास लगाया जा सकता है कि कभी कभी आर्गुमेंट करते वक्त भी हम चुपके से मोबाइल में ना सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन ढूंढ लेते हैं बल्कि रेलेवेंट जजमेंट क्या कहती है वह भी ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी और वकालत का एक खासा संबंध है। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक नई टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट निशांत, जो मैं पेशे से वकील ही नहीं एक कंप्यूटर इंजीनियर भी हूं, इसलिए शायद थोड़ा सा कंप्यूटर एक आम वकील से थोड़ा ज़्यादा जानता हूं, और मैं आपको इसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करूंगा। सो गाइस, टुडे आई विल डेमोंस्ट्रेट हाउ एडवोकेट्स कैन यूज़ चैट जीपीटी फॉर देयर डे टू डे वर्क। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर ड्राफ्टिंग आर प्लीडिंग्स। येस, आई एम राइट, यू राइटली हर्ड, वी आर गोइंग टू हेल्प सीक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू ड्राफ्ट द प्लीडिंग्स फॉर अस। सो सबसे पहले वील गो टू दी क्रोम एंड वील सर्च फॉर चैट जीपीटी। सो द फर्स्ट लिंक विच वी गेट इज ऑफ दैट ऑफ ओपन आई, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, ओके, इफ इन केस आई वुड हैव नॉट, तो लेट्स लॉग आउट। सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन यू आर गोना गेट। तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने का आपका अगर कस्टम ईमेल आईडी आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू फ्रॉम द गूगल ऑथेंटिकेशन ऑल्सो, एंड वी आर गोना यूज इन माई केस गूगल ऑथेंटिकेशन। इट टेक्स मी टू, इट ब्रिंग्स मी टू द स्क्रीन नाउ। So you can see the on the left sidebar that how far I have been using this ChatGPT in recent past. Now the most important thing is that we have to give initial instructions to ChatGPT. अगर हम initial instructions ChatGPT को दे देते हैं तो ChatGPT के लिए contextually मेरी help करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो मेरे को हर बार comments, हर बार उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या और किस रोल में मेरे को चैट जीपीटी को यूज़ करना है। तो सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू आंसर ओनली दीज क्वेश्चंस, वी कैन जस्ट राइट दैट हु वी आर, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम चैट जीपीटी। सो इन अ सेंस दिस विल रीट्रेन चैट जीपीटी और रीअलाइन चैट जीपीटी फ्रॉम वट एवर इट हैज़ लर्नड टू गिव अ बेटर आउटपुट टू मी। तो मैं कहता हूँ कि you are a constitutional and criminal lawyer based in India. You should search for legal content. You will help me in drafting pleadings. वैसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया कि इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट someone can definitely try it. And how would like ChatGPT to respond? तो respond to me in very formal but easy language. So we'll save it. Now ChatGPT has been instructed that it has to help an advocate. It has to work as an assistant to the advocate. So what we are going to do, I am going to show how I use ChatGPT to draft the pleadings. So let's take an example that we are wanting to हम एक रिट पिटिशन ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। सो विल राइट, हेल्प मी ड्राफ्ट अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया फॉर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके नाउ चैट जीपीटी सेज दैट ठीक है मैं आपकी हेल्प तो कर सकता हूँ बट मुझे कुछ डिटेल्स दीजिए। सो आई टेक अ लाइव एग्जांपल द रिट पिटिशन इज टू गिव डायरेक्शंस टू हरियाणा पुलिस फॉर free and fair investigation in FIR number 173/2023 filed registered in police station New Colony Gurgaon under section 149, 323, 341, 379, 79B and 506। तो अब हमें चैट जीपीटी एक बेसिक स्ट्रक्चर देगा रिट पिटिशन का। फैंटास्टिक। सो यू कैन सी दैट वी गेट हमें है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है कि रिट पिटिशन में क्या क्या होना चाहिए। नाउ वी विल ऐड मोर कंटेंट। पुलिस हैज बीन इन कोनाइवेंस विद द एक्यूज्ड हेंस द डायरेक्शंस टू पुलिस फॉर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। मैं इतने प्रॉम्प्ट्स इसलिए देके दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो हाउ वी कैन गिव दी प्रॉम्प्ट्स हाउ वी कैन यूज दीज प्रॉम्प्ट्स। अदरवाइज आपके पास अगर सब कुछ क्लियर है कि क्या चाहिए तो आप पूरी की पूरी स्टोरी आप डाल सकते हैं। मे बी वंस वी आर डन विद दिस एक बार सारा का सारा कंटेंट उठा के डाल देंगे फिर देखेंगे चैट जीपीटी का आउटपुट क्या आता है। ओके नाउ द नेम ऑफ द पिटिशनर इज निशांत वर्मा एंड द नेम ऑफ द एक्यूज्ड आर रोहित ललित एलियस लंगड़ा दीपांशु ललित प्रेम ललित आई गेस। नाउ यू सी दैट जैसे जैसे मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूँ वो सेम रिट पिटिशन के अंदर वो रेलेवेंट जगहों पे कंटेंट को ऐड करता जा रहा है। देखिए जैसे पिटिशन नाम द पिटिशनर मिस्टर निशांत वर्मा इज फाइलिंग रिट पिटिशन और उसने यहाँ पे एक्यूज का नाम भी डाल दिया होगा। यस यहाँ पे उसने एक्यूज का नाम डाल दिया ठीक है और ये देखिए द पिटिशनर इज ग्रीव्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन बीइंग बाय द इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द हरियाणा पुलिस व्हिच एज पर द पिटिशनर्स अप्रिहेंशन इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इम्पार्शियली एंड फेयरली।
अब वी कैन से दैट प्लीज एड रेलेवेंट जजमेंट्स. ओके, तो उसको ये नहीं पता चला कि मैं चाह कह रहा हूँ. आई वॉन्ट रेलेवेंट जजमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब देखिए, जजमेंट भी आ गया और जजमेंट का बेसिक क्रक्स भी आ गया कि जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा है. नाउ वी कैन इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी टू ऐड ऑल दीज जजमेंट्स इन पार्ट ऑफ एज पार्ट ऑफ आवर पिटीशन इटसेल्फ. प्लीज ऐड दीज रेलेवेंट जजमेंट्स इन आवर ड्राफ्ट ऑफ रिट पिटीशन. ओके, अभी भी ये समझा नहीं है. वील हैव टू परहैप्स गिव वन मोर प्रॉम्प्ट. ड्राफ्ट कंप्लीट रिट पिटीशन फॉर मी. अब देखिए, अब ये रिट पिटीशन का पूरा ड्राफ्ट देगा एंड इट विल ऑल्सो वुड हैव नाउ इंक्लूडेड दी relevant judgments. देखिए, लेट्स बी क्लियर, ऐसा नहीं हुआ कि चैट जीपीटी ने कंटेंट बनाया. आप उसको स्पेशली प्लीडिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे उसके बाद वर्ड में और उसका प्रिंट निकालेंगे सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं होगा. इट विल नॉट फंक्शन दैट वे. हाँ, आपको एक इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, काम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आमतौर पर आप सर्च करते हैं फिर लिखते हैं या डालते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएंगी. उसके बाद देन ऑफकोर्स यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन यू नो फॉर्मेटिंग, ऑन एडिंग कंटेंट, एडिंग मोर डिटेल्स, एडिंग लिटिल इंग्लिश. वो भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं. नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन दिस. ये हो गया. ओके, लेट्स से दैट व्हाट इज व्हाट वाज दिस ऑफेंस ऑल अबाउट. द ऑफेंस वाज दैट द एक्यूज्ड असॉल्टेड द petitioner brutally on 27th August 2023, because of which the petitioner suffered grievous injuries, but police did not register the FIR in proper sections. Now you see, has it added? Yes, यहाँ पर ऐड कर दिया जो मेरे इशू था. So guys, this is the way you can create. When
आई कैन गो ऑन एंड ऑन. दिस वन वे आई हैव शोड दैट हाउ यू कैन क्रिएट प्लीडिंग्स. एक सिविल सूट भी बना के देखते हैं. सो लेट्स से हेल्प मी ड्राफ्ट अ सूट फॉर इंजंक्शन mandatory injunction and recovery of damages for a learned civil judge senior division Gurgaon for me in the court of now we'll get the basic template. अब इस basic template में देखना इतना फ़ायदा होगा कि कई बार होता है ना कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, cause of action डालना भूल जाते हैं हम या कोई और jurisdiction डालना भूल जाते हैं. वो सब चीज़ें ये सारी की सारी हमें इन captions में बना कर दे देगा, जिससे हमें रहेगा कि हाँ हमें यहाँ पर डालना है. और वी कैन ऑफ कोर्स आस्क चैट जीपीटी टू डू इट ऑन आर बिहाफ. देखिए जैसे उसने ज्यूरिडिक्शन डाल दिया है, वैल्यूएशन सूट डाल दिया है. कितनी बार ऐसा होता है कि वैल्यूएशन सूट नहीं डाले होते, कितनी बार ऐसा होता है कि ज्यूरिडिक्शन डालना भूल जाते हैं. तो वो सब चीज़ें जो है चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा. अब चलो कॉज ऑफ एक्शन लिख देते हैं. कॉज ऑफ एक्शन इज दैट दी, चले पहले इसको पिटिशनर का नाम बता देते हैं. पिटिशनर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पिटिशनर इज, मैं अपने नाम ले लेता हूँ निशांत वर्मा. एंड द नेम ऑफ डिफेंडेंट इज लेट्स से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. ऐसा कोई केस है नहीं वैसे. डीडीए का होता वैसे भी गुड़गांव में नहीं जाता. अब ये देखिए, ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या डालना है. ठीक है, अब इसको देते हैं हमारा कॉज ऑफ एक्शन. क्या है कॉज ऑफ एक्शन? Is that the house that the petitioner, the respondent, defendant did not provide the necessary repairs. As a result, the petitioner suffered huge losses. तो गाइस अब जैसे मेरे लिए कोई ड्राफ्ट बन गया है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, मैं यहाँ से इसको मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक. एंड नाउ आई कैन पेस्ट इट एंड इट विल गिव मी अ बेसिक स्ट्रक्चर. No, I can further add details in it. So guys, this is one way we can use the ChatGPT. Now, another, of course, you know, you'll learn it, you'll try it, you'll experiment it. मैंने भी ऐसे ही सीखा है. तो आपको पता चल जाएगा कि which way you want ChatGPT to
यूज इट। नाउ अब हम करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सर्च द जजमेंट्स। ओके सो प्लीज गिव मी सम रीसेंट, आई एम टेलिंग यू हाउ आई यूज इट फॉर सर्चिंग द जजमेंट्स, जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन cases of medical negligence। अब देखिए एक डिस्क्लेमर है, चैट जीपीटी आपको खुद देगी बार बार कि जनवरी 2022 तक का ही इसके पास डेटा है जिसपे इसको ट्रेन किया होगा, यानी उसके बाद की जजमेंट्स होंगी वो नहीं देगा, ये जनवरी 22 से पहले की ही जजमेंट्स देगा। हाँ, ओवर द पीरियड टाइम इट विल गेट रीट्रेंड ऑन फ्रेश डेटा, तो वो जजमेंट्स भी आएंगी, बट देर विल ऑलवेज बी अ टाइम लैग अनलेस यू आर यूजिंग अ पेड वर्जन। आई गेस मैं पेड वर्जन यूज करता नहीं इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकता नहीं, कर नहीं सकता। तो अभी देखिए कि आपके पास जो की जजमेंट्स हैं, दिस वॉज ऑन द फर्स्ट केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, देन जेकब मैथ्यू केस वी ऑल आर अवेयर ऑफ, मार्टिन डिसूजा केस वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ, बट एक केस और भी है जिसमें काफ़ी अच्छी भारी भरकम कॉम्पनसेशन मिली थी, वह कुणाल साहा केस। नाउ अज्यूमिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ कुणाल साहा केस और आप चाहते हैं कि आप कुणाल साहा केस की डिटेल चाहते हैं, या आप बोलते हैं कि यू नो और मे बी दैट आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ कुणाल साहा केस, सो आई विल से दैट गिव मी द जजमेंट वेयर मैक्सिमम compensation was awarded in case of medical negligence। आई गेस कि कुणाल साहब केस आएगा, आई एम नॉट श्योर दो, कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके फिर डिस्क्लेमर दे दिए, लेट्स से Still give me। देखिए AI टूल की अच्छी बात यह है कि इरिटेट नहीं होता, आप सेम इंस्ट्रक्शंस को बार बार दे सकते हैं, एग्जैक्टली बिंगो, देखिए आ गया कुणाल साहा केस। तो आप सेम इंस्ट्रक्शंस को बार बार देंगे, ये आपके क्लर्क की तरह या आपके रिसर्चर की तरह इरिटेट नहीं होगा। सो नाउ वी गेट दिस रेलेवेंट जजमेंट ऑफ कुणाल साहा केस ऑल्सो। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस चैट जीपीटी फॉर यू नो सर्चिंग दी जजमेंट्स और रेलिवेंट कंटेंट। मैं चैट जीपीटी को आर्ग्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने के लिए भी यूज़ करता हूँ कि मैं व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई शुड आर्ग्यू अपॉन रिट पिटीशन, उसके लिए हम एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं कि हाउ वी हैव टू आर्ग्यू इन द कोर्ट। आई हेल्प मी, थोड़ा कर्टियस होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, हालांकि AI टूल को फर्क नहीं पड़ता whether you are courteous or not। Help me with some good and strong arguments for bail cancellation in honorable Punjab and Haryana हाई कोर्ट। अभी आपको है ना बेसिकली आपका आर्गुमेंट कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए ये आपको ये दे देगा, और आप ये भी देखेंगे कि जो आपको ये आर्गुमेंट देगा दिस कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ योर प्लीडिंग ऑल्सो। देखिए जो जो इसने डाला है, दैट रिस्क ऑफ फ्लाइट, अगर मैं बेल कैंसिलेशन के लिए डाल रहा होता ठीक है तो मैं रिस्क ऑफ फ्लाइट डालता कि ही इज़ अ फ्लाइट रिस्क। ओके तो इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ से उठा के उसमें भी डाल सकता हूँ, प्लीडिंग में भी डाल सकता हूँ। सो गाइस दिस इज हाउ आई यूज़। ओके फाइन, अभी जो रिसेंटली मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया वो यूज़ किया मैंने हिंदी में ड्राफ्ट करने, बिकॉज आई हैड अ केस इन यूपी जहाँ पे प्लीडिंग्स मेरे को हिंदी में ड्राफ्ट करनी थी, तो मुझे नहीं पता था कि यू नो सो आई एम नॉट रियली वेरी गुड एट ड्राफ्टिंग इन हिंदी,
तो मतलब लीगल ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंज था। तो हम उसको ये कहते हैं कि लेट्स ड्राफ्ट दिस एंटायर पिटीशन इन हिंदी, प्लीज ड्राफ्ट दिस एंटायर पिटीशन इन हिंदी। देखिए अभी इसने हिंदी में लिख दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, हिंदी में बहुत मिस्टेक्स की थी इसने, ठीक है, जिन मिस्टेक्स को मैंने ठीक किया, मैंने कैसे ठीक किया और कैसे ठीक करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बाकी यू नो इफ एनी वन इज ऑलरेडी यूजिंग चैट जीपीटी बेटर देन द वे आई एम यूजिंग, आई बी मोर देन हैप्पी इफ इन केस यू कैन यू नो शेयर विद मी योर आइडियाज़, और इफ़ इन केस यू गेट न्यू आइडियाज़ दैट हाउ इट कैन बी यूज आई बी मोर देन हैप्पी। मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए इसको यूज़ नहीं किया है, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेटलमेंट एग्रीमेंट्स मैंने अभी रिसेंटली अभी नियर फ्यूचर में बनाना है एक, आई विल बी यूजिंग द चैट जीपीटी फॉर दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट। अगर वो मेरा ठीक ठाक बन जाता है ना, आई एम हैप्पी, आई डेफिनेटली शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो विद एवरीवन। मेरे ख्याल से द वे इट इज़ बीइंग डन सबको लग गया होगा इतनी देर में कि इस चैट जीपीटी इज अ क्वाइट यूजफुल टूल एंड नॉट टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। आपको बस कंप्यूटर से थोड़ा कन्वर्सेंट होना है एंड इट इज एट योर डिस्पोजल। तो गाइस सो दैट इज वॉट आई फेल्ट लाइक दैट यू नो समथिंग आई हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट फ्यू मंथ्स नाउ, आई वॉन्टेड टू शेयर विद माई फ्रेटर्निटी। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया, इट्स द फर्स्ट वीडियो आई एवर मेड, सो आई विल बी हैप्पी इफ इन केस यू कैन गिव एनी कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स ऑन इट। और इसके ऊपर आप जानना चाहते हैं देन यू कैन ऑलवेज शूट अ मेल टू मी एट एंड आई राइट माई मेल आईडी। ओके व्हाई डोंट वी राइट अ मेल, फाइन राइट एन ईमेल ऑन एड्रेस मेल फॉर वर्मा एट gmail.com टू सीक एन अपॉइंटमेंट फॉर लीगल कंसल्टेशन। मैं बताना भूल गया, मैं ईमेल्स लिखने के लिए पर्सनल तौर पे भी और ऑफिशियली भी और लिंक्डइन पोस्ट वगैरह के लिए चैट जीपीटी का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मैं लीगल नोटिसेस भेजने के लिए भी चैट जीपीटी का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ये दो चीज़ों के लिए मैं चैट जीपीटी को बहुत यूज़ करता हूँ। यू कैन सी ऑन एंड देन लॉट ऑफ चैट हैव ऑलरेडी डिलीटेड आउट, तो यू नो मैं आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस प्रॉब्ली जुलाई और सो। So fine guys, that's what I was wanting to share, that's for the as the time progress I will be you know depending on the response to this video I'll be sharing more, I'll be creating more videos and how we can use technology. I mean Google Chrome ka kaise istemal kar sakte hain, Google Earth ka kaise istemal kar sakte hain in our litigation work. I'll be more than happy to make all those demonstrations for you. Thank you for now. Ciao.